हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीपिका को हमेशा से सब्जियों में सबसे ज्यादा घिया पसंद था। जब तक वो हफ्ते में 3 दिन घिया न खा ले, मानो उसका मन ही नहीं भरता था। लेकिन उसके भाई सौरभ को घिया देखना तक पसंद नहीं था, खाना तो दूर की बात है। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, और जैसे ही दीपिका की माँ रजनी आलू के पराठों को दीपिका की थाली में रखती है, तभी वो कहती है, माँ आलू के पराठे बनाए हैं क्या? माँ आपको तो पता है मुझे आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आलू के पराठे बनाए हैं आपने, घिया का कुछ बना लिया करो माँ। ओ घिये की दुकान, बस कर, कितना घिया खाएगी तू, जब देखो घिया खाती रहती है। भाई आपको क्या तकलीफ हो रही है, मैं आपको तो नहीं बोल रही हूँ ना, मैंने तो माँ को कहा है। अगर तुझे इतना ही घिया खाने का शौक है तो खुद जाकर बना ले, माँ ने आलू के पराठे बनाए हैं मेरे लिए, हमेशा तेरी पसंद नहीं बनेगी घर में। भाई इतनी गर्मी में आलू के पराठे कौन खाता है, और ज्यादा पराठे मत खाया करो वरना मोटे हो जाओगे, इसीलिए कहती हूँ घिया खाओ फिट रहोगे। अच्छा जी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, बड़ी अजीब बात है, आलू के पराठे खा खा कर मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ, और तू घिया खा खा कर फैलती जा रही है, कुछ दिनों में पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी। माँ देखो भाई कैसे चिढ़ा रहे हैं, फिर भी मैं कुछ उल्टा बोल दूंगी तो आप कहोगी कि मुझ में तमीज नहीं है, बड़ों की इज्जत नहीं करती। बस करो तुम दोनों, भगवान जाने कब बचपना खत्म होगा तुम दोनों का, बड़े हो गए लेकिन हरकतें अभी भी वही बच्चों वाली ही है। माँ भाई को तो कुछ नहीं कहती, हमेशा मुझे ही चुप करवाती हो, बल्कि घिया के पराठे बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको इन आलू के पराठे को बनाने में लगेगा, लेकिन मेरी पसंद की तो किसी को कदर ही नहीं। ओ ड्रामेबाज, करी घिया खाया है, तेरा घिया खाने से मन नहीं उगता क्या? अच्छा सौरभ तू अपना मुंह बंद कर, तू अभी खा ले, रात में बना दूंगी तेरे घिया। रहने दीजिए, नाश्ता देखकर ही मेरा मन भर गया, मैं बाहर जा रही हूँ घिया का जूस पीने। माय गॉड, ये लड़की तो गुस्से में भी घिया नहीं भूलती, भगवान जाने आगे इसका क्या होगा। हाँ हाँ, और आप मन में उल्टा सीधा बोल लो, मुझे सब पता है, मेरे बारे में ही सोच रहे होगे, आपकी पसंद का नाश्ता है आप ही खाओ, मैं जा रही हूँ। दीपिका इतना कहकर बिना नाश्ता किए गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, और सौरभ भी अपने ऑफिस के लिए निकलता है। कुछ समय बाद दीपिका की माँ उसके लिए घिया की सब्जी और रोटी लेकर उसके कमरे में जाती है और उसे देती हुई कहती है, बेटा इतना जिद करना ठीक नहीं है, इधर मायका है, यहाँ तो तेरी जिद चल जाती है लेकिन ससुराल में नहीं चलेगी, कोई तेरी पसंद का ख्याल जब ही रखेगा जब तू उनकी पसंद का ख्याल रखेगी। क्या माँ आप इतना क्यों सुना रही हो, अभी मैं ससुराल थोड़ी ना जा रही हूँ, अभी मुझे मेरी पसंद का खा लेने दो। मैं सुना नहीं समझा रही हूँ, जैसे तुझे दूसरों की पसंद अच्छी नहीं लगती है वैसे दूसरों को भी तेरी पसंद अच्छी नहीं लग सकती है, इसलिए हमेशा अपने पसंद के साथ साथ दूसरे लोगों की पसंद के बारे में भी सोचना चाहिए। हो गया आपका, अब मैं खा लूं या फिर आपको और कहना है, अरे इतने काम है घर के वो कर लो ना। दीपिका इतना कहकर बिना अपनी माँ की बात को समझे आराम से खाने लगती है, और रजनी चुपचाप कमरे से निकल जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय गुजरता है, दीपिका की शादी एक रुपेश नाम के लड़के से होती है और वो अपने ससुराल आती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है, तभी एक दिन सुबह के समय दीपिका अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए घिया का हलवा बनाकर लाती है, जिसे देखते ही उसकी सास कामिनी कहती है, बहू तूने ये क्या बनाया है? माँ जी मैंने अपनी पहली रसोई में घिये का हलवा बनाया है। घिये का हलवा? लेकिन हमारे घर में? बहुत अच्छा किया बहू तूने। क्या हुआ माँ, आपने दीपिका को बताने क्यों नहीं दिया कि हमारे घर में किसी को भी घिया पसंद नहीं बिल्कुल भी? बेटा अभी उसे कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ आए हुए, और आज उसने पहली बार कुछ बनाया है हमारे लिए, ऐसे मना करने से उसे बुरा लगेगा ना। लेकिन माँ मैं घिया नहीं खाने वाला, प्लीज मुझे मत फंसाओ। अब बना है तो खाना तो पड़ेगा ही, वरना उसको बुरा लगेगा। क्या बात है, आप लोग बहुत देर से आपस में बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप लोगों को घिया से कोई प्रॉब्लम है या खाना पसंद नहीं है? हाँ मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब बोलती ही रहोगी या दोगी भी खाने के लिए? हाँ बिल्कुल अभी देती हूँ। दीपिका इतना कहकर सबको खाने के लिए घी का हलवा देती है, उस टाइम वो लोग उसका मन रखने के लिए खा लेते हैं, लेकिन आए दिन घिया की सब्जी देख देख कर वो लोग थक चुके थे। तभी एक दिन शाम के समय सभी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी दीपिका सबके लिए घिया के पकोड़े लेकर आती है, जिसे देखते ही रुपेश कहता है,
ये तुम क्या लाई हो दीपिका, जल्दी दो, बहुत भूख लगी है यार। लीजिए ना रुपेश जी, मैंने आपके लिए अपने हाथों से घिया के पकौड़े बनाए हैं। बहू फिर से घिया बना लिया? अरे जब से आई है तब से बस घिया ही खिलाई जा रही है, उसकी अलग अलग चीजें बना बना कर। मतलब आप क्या कह रही हैं माँ जी, आपको घिया पसंद नहीं है क्या? उनको ही नहीं बल्कि मुझे भी नहीं पसंद है, हम तो सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए खा लेते हैं, लेकिन अब हमसे नहीं होगा। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि आप लोगों को भी घिया पसंद है, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें बुरा ना लगे इसीलिए नहीं बताया, लेकिन तुम तो घिया के पीछे ऐसे पड़ी रहती हो जैसे हमेशा चोर के पीछे पुलिस, उसे देखकर ही बीमार वाली फीलिंग आती है। हाँ बहू, अब हमसे और घिया नहीं खाया जाएगा, इसलिए अब तो ये घिया बनाना छोड़ दे, हमारे घर में कोई नहीं खाता। सभी लोग इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं और दीपिका वहीं सोफे पर बैठकर अपने मन में सोचने लगती है। यार मैं क्या करूँ, कितनी बुरी किस्मत है मेरी, ना मेरे मायके वालों को मेरा घिया खाना पसंद था, ना मेरे ससुराल वालों को। मायके में तो चलो एक टाइम को गुस्सा भी कर दिया करती थी, लेकिन ससुराल वालों को क्या कहूँ यार, मैं घिया खाना नहीं छोड़ सकती। दीपिका इतना कहकर यूट्यूब से घिया की अच्छी अच्छी डिशेस सीख कर बनाना शुरू करती है, जिसे खाकर पता ही नहीं लगता था कि वो सब घिया की है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, तभी एक दिन सभी लोग रात के समय डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे, तभी दीपिका सबके लिए घी के कोफ्ते लेकर आती है, जिसे देखते ही रुपेश कहता है, यार कोफ्ते, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया, इतने दिन दाल और बोरिंग सब्जी खाकर बोर हो गया था, जल्दी दो। हाँ बहू, आज बड़ा मन कर रहा था कोफ्ते खाने का, लेकिन ये कोफ्ते तो। क्या तुम बहुत बात करती हो, जल्दी दो, भूख लगी है। लेकिन ये तो घिया के है। बोलूंगी तो सुनाएंगी, ऐसे ही दे देती हूँ, देखती हूँ इनको पता चलता है या नहीं, या फिर ऐसे ही खा लेती है। दीपिका इतना कहकर सबको अपने घिया वाले कोफ्ते परोस देती है, जिसे खाने के बाद सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं और उस कोफ्ते के सब्जी को रोज बनाने की फरमाइश भी करते हैं, जिस पर दीपिका हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, आप लोग घिया की सब्जी या हलवा नहीं खा सकते, लेकिन कोफ्ते खा सकते हैं। क्या घिया के कोफ्ते थे? मैं नहीं मान सकता। सच बता बहू, सच में ये घिया के कोफ्ते थे? हाँ माँ जी, बल्कि यही नहीं, इससे पहले भी जो चीजें आपने खाई हैं, उसमें मैंने घिया मिक्स किया था, जो कि मैंने यूट्यूब से बनाना सीखा था, क्योंकि मुझे घिया चाहिए था और आपको स्वाद चाहिए था, तो मैंने दोनों चीजों को मिला के बना दिया। क्या बात है दीपिका, आखिर में तुमने अपनी बात मनवा ही ली, अपने साथ साथ हमें भी घिया खाना सिखा ही दिया, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हम बोरिंग घिया खा रहे हैं। सच में बहू, मजा आ गया आज तो, अब जब तू चाहे घिया बना सकती है। दीपिका घिया की अच्छी और स्वादिष्ट डिशेस बनाकर सीखकर अपने साथ साथ ससुराल वालों को भी घिया खाना सिखा देती है, जिसके बाद फिर कभी वो लोग घिया या घिया से बनी चीजों को खाने की मना नहीं करते।